हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल सकाल सकाल उठी चाउमिन खाऊ, कल सन्या जो चाउमिन बनई आ मिस्टर दूसरे चाप आच हाइलाइट देखु हाइलाइट देखु पापुल तर ये सोई नानी भी खाऊँ से घर बस कि खाईदा जीपा जलखिया बनवा खाइबा। सकाल आलू कटा हो जा आईटा सिंब कटाई राई करवा सोरस मसला कस चलती पाई टी अधिक तो फेणे जाए आठ भेंडी सीझा चलती एक्चुअली दीपर पर आज दीपर सीझा सीझी भेंडी आलू आ कौन सी सीझे कौन सीझे अच्छे ओ गणा हो कि कुघा हेनी कौन आंब सीझे आंब सीझे तो चलते ये सब बनईदे यहाँ खाइबा रुटी सहित आईटा भात सहित दीपर पर मिस्टर ऑफिस पड़े काम सारिकी आर पूरा मेन्चेट से बतरा है सफा करने को जब सफा करी एक्चुअली थंडा मत एमती ना मैंने बाहर कि जना पड़े भितर ही मो डाण पट काना पूरा बिंधुच मैंने कि भल लगे खरारे बस थी ए सफा कर सब सुखेबी तब से खरार बसवि बालकनी आम रसी बांधि देचु सुखापी आठ देखिए करें रखी अपराजिता गचटा ये रखीदी भल लगे टी आने गचटा देखे छानिया गच मन खुशी हो जाए तो चलते मुझे सफा सफी करदे तब जाए बालकनी आराम से खरारे टे बस आसतु देखिए आम बालकनी केमी आम रसी बंधाई तो आप देखिथे पूर्व थर जो खरे आम सब रेलिंग लगुला स्क्रीन तो से टाइम ही आम ये चार्टा स्क्रू टाइट मानने फिटिंग कर देलु ताकि लुगा सुखापी दौड़ी दीटा बांधि हे कहीं आगुरी ये कि ना तो से बंधाई जाता आज नना सका दौड़ी बांधि जाइंट ताकि आमको ये सब सुखापी सुविधा हो कहीं बहुत अल्प ड्रेस आमर बाहर जोड़ा कि छात को लेकिन गला बेलू मानते भल लगुनि ये ड्रेस छात को लेकिन जाओ कष्ट लगुच पूरा सत कथा कह गए ये पकेबापी कि सुविधा ना आर घरे तो बालकनी थी देखि रड थी ग्रिल लगी तो से बहुत सुविधा होता ये जहाँ जी पकवा कथा अल्प बहुत पकई दौ अध सफा कले छत को ना ना ये टिके सफा कर छत को ना पु ये सुखदेल रेडी आठ पिला को प्रबल नहीं तो खाई पीनी शो कौन जो तो रोसे है छाड़ दि आज समस्त सीझा पिछा है आलू सीझा को भेंडी सीझा है ना सज पखाड़ सांग चल क्षीर आलू सब खा तो आज आम बनवा वेजिटेबल पेटिस तो यहाँ मुझे फर्स्ट टाइम बनाऊँ तो जानी केमती हम तथा मुझे रेसीपीटा ही सेयार करदे आपण सहित तो देखिए लास्ट कौन हो तो से मुझे दुई कप मैदा नहीं बेकिंग सोडा पकई सॉरी बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर पकई देन ये लुण पकई स्वाद अनुसार आल्प किसी तेल पकई कि मोम देद बढ़िया से मिसईद आपर्त मोम देवा जेपर्यंत से बढ़िया से तेल सहित मैदाटा न मिसी जा पूरा आम से करवा देखिपे एमती टाइप्र करवा जमी गोटे मुठा कले सेमती रो आई टाइप्र ही हो देखिए तो जापे कौ टाइप्र हम तो ये टाइप रे कलापर से आम आडजस्ट करके पा दे कि चक टिके गोटे डो या रुटी जमी बनाते से टाइप रही डो बनवा देखो बेस टाइट नहीं कि बेस पतला भी नहीं तो आपको आम 20 मिनिट रेस्ट करने छाड़दे तो से भितर आम अलग प्रिपेरेसन करवा तो ये टे मैदा नहीं तेल देखिए घोड़ी रखीदेवी आमको एगुटा लेयरिंग काम आसो तो ये आपने पचर जापर कौन करवा तो ये टाइप रखे गोटे सैड रखीदे स्टफिंग मुझे तीन टा बड़ साइज्र आलु नहीं कोबी को एमती छोट छोट का आपत अलग वेजिटेबल्स भी यूज करेंगे मो पाखे जी मुझे यूज करज कंचा लंका काटी अदा रसुण को छेची देती पूरा भलसे आपको आम यूज करके बनवा तो ये तेल गरम है कंचा लंका फास्ट पकई टे भाजीगला पिज पकईद आमको यहाँ पूरा हार्ड फ्राए भी करार ना जस्ट सालु फ्राए करवा तो टिके पिजटा भाजी गला बेलू आम जो अदा रसुण छेचाटा रखिंट से पकईदे
आपण भावुथिबे पियाज कंचा अछि पके देली कारण ए स्टेज रे पके दवा जेहेतु आमे पेटिस बनेबा ना तारो मसलाटा जेते नरम रहइबो सेते भल लागइबो। देन मो एठी आवश्यक अनुसार हळदी लुण बाकी चिकन मसला टिके ऐड करिवि फ्लेवर पई तो आपण चाहिले एठी लंका गुंड भी ऐड करि परबे जागु राग दरकार बट मु पूरा राग लेस करिछि तो लंका गुंड ऐड करुनि जेहेतु मु कंचा लंका पकेइछि ताकु एमती टिके भाजि नबा। देन से जो आलू रखी थी सीझा आलू तो ताकु एमती हाथ में चकड़ी देद पूरा पेस्ट करवानी जस्ट एमती दाबिकी पकईदे। देन कोबी पकईदे आकु भलसे भाजीद जेहेतु आम एटी लुण हलदी सब पड़ जाए तो आज किसी मसला पकईबार ना तो यहाँ को एमती टी भाजला आम जस्ट टे पाद कारण कोबीटा सीझापी टी पा दरकार कर तो एमती बढ़िया से मिसईद मीडियम फ्लेम्रे आम सीझा को छाड़द। देन एबे देखिबा हमरो डो रो कंडीशन कौन अच्छी डो पूरा रेडी जी तो ये हमरो मसला भी रेडी स्टफिंग तो देखिबा तो एकदम सुंदर मसला है और सीरियसली फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया थिला। मो एठी डो को लेकिन छोटो छोटो डो बनईदेवि ताकि केमती कौन करवा आपन प्रोसेसटा एठु देखिपारे जेहेतु मुझे एकुटिया थी ना तो ऊपर आ कैमेरा धरिकी करिपारिले नि तो से कैमेरा सामने प्लेस करदे जानी कौन केमती आई होप आपण मैंने एडजस्ट करदे। तो मुझे एमती छुरी रे काटे नेली सेम सेम साइज रो डो बनई देली तो से डो गुड़ा को आम बेलवा जो भाई रुटी बेलती तो मुझे दुईटा प्रोसेस रे करी बट आपण मन सहित गोटे प्रोसेस सेयार करी आ गोटे प्रोसेस जेहतु पचरे करा सेयार कर पानी तो नेक्स्ट टाइम जब बनईबी निहाती सेयार करी तो आज जो वेटा सेयार कर देखि नि तो मुझे एमती रुटी भाई बेली दिली आम जो मैदा आल गोटे मिश्रणटा बनते एमती लगेदेवि आपण मैंने जानते आम जमी मझे तेल दे कि परटा बेलती ना सेमती से मिश्रणटा को देखी एमती टाइप बेलवा। देन आउ गोटे लेयर पर आउ टे मिश्रण लगे फोल्ड कर पुणी बेलवा एमती बस कंटिन्यूसली आमको बहुत सारा लेयरिंग करी बेलवार अच्छे आपड़ जिते अधिक लेयरिंग करते भल तो मुझे खूब कम लेयरिंग कली कारण मुझे जेहेतु फर्स्ट टाइम करुच्ची मुझे जान नी कमी कौन हम बट लास्ट टाइम रिजल्ट देखला मत लगे कि हाँ आउ लेयरिंग कले भी भल लगे आपड़ चेष्टा करेंगे जो जिते बड़े मम देवे तेल दे कि आप मैदाटा को घसुवे ना तो से बेसी तेल आड करेंगे टी कम तेल आड करेंगे ना तो यहाँ खराब हमारे चानसेस थाए तो देखिपे मुझे ये सारा लेयरिंग कलापर यहाँ मोर फाइनाल लेयरिंग था तो आउ लेयरिंग करना ना मुझे मापी नेली केमती कौन मैंने स्टफिंगटा देखिए सिल करवा तो मुझे ये स्टफिंग देदेली आ सिल करने मुझे यूज करी पानी आती मैदा देदेवि तो सहीटा चिपकेबापी हेल्प हम अठा टाइप रो देखिपे मुझे चारिपटे लगे एमती चिपकईदेली तो फाइनाली आम पेटिस रेडी एबू बेक करवा तो बेक करने मुझे एमती तेल लगेदेली ओवन को मुझे अलरेडी प्री हिट कर तो बेक हाँपाई छाड़देव आम तो 180 डिग्री रे मु बस 50 मिनिट्स भाया बेक करी टू साइड रे देकी आपको चाहिए आप छाण भी पारे जेहेतु आमको लेस अएल बनबार अच्छे तो मुझे छाणबिनी बेक करी एटा छाणिले भी भल लगे बट सिंगड़ा तो कह सिंगड़ा टाइप लगे बट बेक कले तो टे लेयरिंग भल हम आ सिंगड़ा टाइप न लगे पेटिस टाइप हिं लगे तो देखिपे बढ़िया से रेडी आम पेटिस आते भल रिजल्ट आस भाभी नी मु बहुत खुशी अच्छी तो आपण मैंने भी निहाती घरे ट्राए करूँ खातु आमती लगे कमेंट कर नरम भल लगे ना कि बढ़िया क्रिस्पी है आउटे तेल देले भी भल लगे मुझे बेस तेल दे पूरा कम पूरा टिके तेल कर सक्सेस तो नानी छुट्टी घर बस खाऊ।